बैक्टीरिया। तो इधर पुजारा को उसी के लिए रखा है, उधर ताली बजाने के लिए नहीं है। धीरे डाल दे, छक्का खा के दिखा। ओ श्री, उधर गर्लफ्रेंड नहीं है, इधर आ जा थोड़ा। तो सबसे पहले आपको बता दें कि धोनी जब भी कप्तान रहे हैं तब फील्डिंग अपनी मर्जी से ही सेट हो जाती थी, क्योंकि धोनी कई बार अपने मुताबिक फील्डिंग लगाकर कई ऐसे कारनामे कर चुके हैं जो कोई दूसरा नहीं कर सका है, जिसकी वजह से धोनी को क्रिकेट का जानकार भी कहा जाता है। तो आपको बता दें कि धोनी की जो सबसे पहली वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं उसमें भारत और न्यूजीलैंड के मैच में धोनी बॉलर से कहते हुए नजर आते हैं, अगर बल्लेबाज उधर शॉट मारेगा तो उधर पुजारा खड़ा है, उधर ताली बजाने के लिए नहीं है। तो इधर पुजारा को उसी के लिए रखा है, उधर ताली बजाने के लिए नहीं है। अब चलते हैं दूसरी वीडियो की ओर, जहां बात करेंगे धोनी और जडेजा की। तो दोस्तों, आपको तो पता ही होगा कि धोनी और जडेजा के बीच करीबी दोस्ती है, और जडेजा ही एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो धोनी से मैच के दौरान अक्सर मजाक किया करते थे। तो ऐसे ही इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच रविंद्र जडेजा बॉलिंग करा रहे थे, तब धोनी ने जडेजा को कुछ ऐसा कहा कि वो स्टंप माइक में रिकॉर्ड हो गया और सोशल मीडिया पर खूब वायरल भी होने लगा। इस मैच में विकेट के पीछे से धोनी जडेजा से कहते हैं, एक बॉल धीमी डाल और छक्का उठा कर दिखा। दरअसल उस समय जडेजा काफी तेज बॉलिंग करवा रहे थे और धोनी का अनुमान था कि अगर जडेजा धीमी गति से बॉलिंग करवाएंगे तो यकीनन भारत की टीम को विकेट मिलेगा। इसके बाद जडेजा ने धोनी की बात मानी और धीमी गति से बॉलिंग करवाई, और फिर क्या था, जैसे धोनी ने बोला था होना तो वैसे ही था, जडेजा को मिल गया विकेट। क्यों, मान गए ना? ऐसे ही हमारे धोनी को सबसे सफल कप्तानों में नहीं गिना जाता, धोनी हमेशा करके दिखाता है। धीरे डाल दे, छक्का खा के दिखा। जान के जरा इसका पैर देख कैसे हिल रहा है, उसके हिसाब से एंटी इफेक्ट कर, वॉलीबॉल की तरह खड़ा हुआ है। अब अगला नंबर है धोनी और रैना की। सुरेश रैना और धोनी की दोस्ती के बारे में तो हर एक भारतीय जानता है, क्योंकि दोनों ही खिलाड़ियों ने क्रिकेट लंबे समय तक साथ में खेला है और आईपीएल में भी दोनों एक ही टीम का हिस्सा रह चुके हैं। और हाँ, इन दोनों की दोस्ती का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जब धोनी ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया था तो ठीक उसी दिन रैना ने भी इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया था। ऐसे ही एक वाक्य भारतीय और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे मैच में देखा गया, जिसे सुरेश रैना गेंदबाजी कर रहे थे तो धोनी ने रैना को गाइड करते हुए कहा, ये बल्लेबाज वॉलीबॉल की तरह खड़ा है, इसका पैर बार बार हिल रहा है, तो उसके हिसाब से गेंद करवा। और उसके बाद रैना बल्लेबाज को ठीक तरह से गेंद कराते हैं, और फिर क्या था, आउट हो गया बल्लेबाज। धोनी का भी फील्ड पर गलत हुआ है, जो इस बार गलत हो जाता। और इसी मैच में धोनी समी को भी मजाकिया अंदाज में कुछ कहते हैं, जिसे देखकर आप कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। जरा सुनिए क्या कहते हैं धोनी इस वीडियो में। यह धोनी समी को फील्डिंग में पीछे जाने को कहते हैं, जो सुनने में काफी फनी लग रहा है और जिसकी वजह से ये सोशल मीडिया पर काफी वायरल भी हो गया। ये वीडियो देखने के बाद आपको जरूर यकीन हो जाएगा कि यूं ही धोनी को क्रिकेट का जानकार नहीं कहा जाता। दरअसल ऑस्ट्रेलिया के साथ एक मैच में भारतीय टीम मैच के अंतिम पड़ाव में थी और भारतीय टीम को जीतने के लिए बस एक विकेट की जरूरत थी। इस बीच धोनी चहल और फील्डरों से कहते नजर आते हैं, ध्यान देना, बहुत तेज का कैच आएगा, बाद में मत बोलना, चलो चलो लड़कों, बस एक विकेट की बात है। और फिर क्या था, धोनी की ये आवाज स्टंप माइक में रिकॉर्ड हो गई, जो उनके फैंस के जरिए काफी ज्यादा वायरल होने लगी, जिसे साबित होता है कि धोनी से ज्यादा तजुर्बेदार कोई नहीं है। बहुत जोर का कैच आएगा, बाद में मत बोलना, चलो चलो लड़कों, एक विकेट की बात है।
ऐसे ही धोनी ने अपनी बल्लेबाजी के साथ साथ भारतीय टीम को कई बार विकेट के पीछे से ही मैच जिता चुके हैं। श्री उधर गर्लफ्रेंड नहीं है, इधर आ जा थोड़ा। हाँ।